हेलो रिवान, कैसे आप सभी? तो आपका स्वागत है प्रियंका की किचन में और मेरी यूट्यूब चैनल मिस प्रियंका फौजी फैमिली पे। तो आज की मेन डिश है बच्चों को लेकर के। तो मैंने आज की जो डिश बनाई है वो बच्चों को बहुत पसंद है, स्पेशली मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हो स्कूल पर, उनके टिफिन पर, और घर पर भी दे सकते हो। बहुत ही हेल्दी है और हैवी भी है, जो बच्चों को अच्छे से उनका पेट भरेगी और बहुत ही पौष्टिक भी है। तो आज की डिश है चीजी बन। तो चीज से भरी हुई बन, कुछ वेजिटेबल्स, चीज़, कुछ ऑर्गेनो वगैरह और सॉस। तो चलते हैं, आप वीडियो देखिए और इन्जॉय करिए। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। तो ऐसे ही नए नए वीडियो लेके मैं आती रहूँगी। आई होप आपको मेरी डिशेज और मेरा जो होम डेकोरेशन से लेके रिलेटेड सामान है, तो जो मैं कुछ बनाती हूँ, तो आपको पसंद आ रहा हो और आप मेरा चैनल पसंद करें। और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आप देखिए वीडियो और मैं तैयारी करती हूँ नए वीडियो की। बाय। तो चीज़ बन बनाने के लिए चीज़ लेना है, पनीर लेना है, आप चाहो तो लो या ना लो, पर मैंने पनीर लिया हुआ है। कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, तो आप देख रहे होंगे बीन्स है वगैरह, कई वेजिटेबल्स हैं। और अभी ये मैंने चीज़ सॉस ली है, तो चीज़ सॉस और ऑर्गेनो डालेंगे इस पर, चिली फ्लॉक्स डालेंगे और कुछ सॉस वगैरह डालेंगे, जैसे पास्ता सॉस वगैरह या कुछ गार्लिक सॉस, जैसे कोई भी सॉस आपके पास है आप कुछ भी डाल सकते हो। और वेजिटेबल्स भी आप अपने चॉइस की डाल सकते हो। मेरे पास यही वेजिटेबल्स अभी अवेलेबल थी, क्योंकि थोड़ा सा मैं वीक हूँ अभी, तो मार्केट नहीं गई, तो यही थी। तो आप सभी मिक्स कर लेंगे हम सभी। तो वेजिटेबल्स में आप देख ही रहे होंगे बीन्स हैं, मटर हैं और कॉर्न है। अभी मैं सॉस के साथ अच्छे से सारा टेक्सचर, पूरा सारा जो है ना मिक्सचर, मिक्स कर लूँगी। तो इसको मिक्स करना है अच्छे से और वाकई बहुत ही डिलीशियस बनता है। आप एक बार ट्राई करना और बहुत फटाफट, क्योंकि सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं घर पे और आप जो सब्ज़ी वो डाल सकते हो जो आपके बच्चे पसंद करें। अभी मैंने बन लिया है, तो बन को ऐसे कट कर लेना है, ऊपर का वेस्ट निकाल देना है और अंदर अच्छे से उसको खाली कर देना है, क्रश भी करके साइड से, और इसके अंदर सारी जो फीलिंग है सब उसको बन के अंदर डाल देना है। जितना बैटर हमने तैयार किया सब डाल देना है अच्छे से, उसको पूरा अच्छे से भर देना है। इसके बाद ऊपर मैंने फिर से चीज़ सॉस डाली है, जो मेल्ट चीज़ है ये डाली है, इसके बाद जो मैंने कद्दूकस करके डाली हुई है, और मैंने इसमें कुछ बन में स्लाइस भी डाली है, ताकि कद्दूकस का और स्लाइस का दोनों का इसमें, जो मैं अभी तक मैं कद्दूकस के डालती थी, तो इसलिए मैंने स्लाइस भी डाली है कि दोनों में फ़र्क क्या होगा, क्या दोनों अच्छे से अंदर मिक्स होंगी, जूसी टेक्सचर देंगी, तो इसलिए मैंने दोनों डाली हैं। तो अभी ये देखिए, वो मैंने अलग उसमें डाला था, अभी ये तीन है, इनमें मैं डालूँगी स्लाइस। तो ये मैंने चीज़ सॉस डाल दी है, सारे जो बैटर जो बनाया था उसको अच्छे से उसके ऊपर डाल के, उसके ऊपर चीज़ी सॉस और उसके ऊपर चीज़ स्लाइस, और उसके ऊपर जो है जो बन का ऊपर का बेस हमने निकाला था, तो उसको अच्छे से उसको ढक देना है और पुश करके उसको सेट कर देना है। और इसको मिनिमम हम 5 से 10 के बीच ही पकाएंगे, 5 से 10 मिनट के बीच। तो आप ध्यान रखिएगा, और इसका जो टेम्परेचर करना है, माइक्रोवेव OTG आपके पास जो हो उसका टेम्परेचर, अगर आप चाहो तो इसको आप पैन में भी पका सकते हो और आप इसको तवे पे भी पका सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपको तवे पे पकाना है तो नीचे से बन ना जले। इसके लिए एक कटोरी, जैसे कि हम केक बनाते हैं ना कढ़ाई वगैरह में,
तो वैसे ही करना है, एक प्लेट या कटोरी रखना है और उसके नीचे नमक डाल देना है और उसके ऊपर ये बन रखना है। इससे क्या होगा कि बन क्रिस्पी तो बन जाएगा बट जलेगा नहीं। और अगर डायरेक्ट आप रखोगे और अंदर तक उसको ग्रेवी और उसकी ग्रेवी को और जो चीज़ उसको मेल्ट होने के पकने होने तक का इंतज़ार करेंगे ना, तो नीचे से बन जलने लगेंगे। तो अभी तो मैं ओटीजी में ही पकाऊंगी, तो ये मेरे दो तैयार हैं, तीन वो तैयार हैं, तो मैं पांच बन बना रही हूँ। अभी मैंने उस पर थोड़ा सा ऊपर से घी भी लगाया हुआ है, आप बटर लगा सकते हो, घी लगा सकते हो, तो इससे ना और सा क्रंची सा इसमें आएगा, क्रंची सा फ्लेवर आएगा, तो ये क्रंची हो जाएंगे और ये बहुत ही यम्मी हैं, बहुत ही टेस्टी हैं, लाजवाब इनका टेस्ट है और फटाफट बनते हैं, बन रेडीमेड ही हैं। और वेजिटेबल्स जरा सी हैं, कट करके आप रख दो, चीज़ वगैरह तुरंत आप कद्दूकस कर लो। मैंने पनीर भी डाला है, तो पनीर मैंने मिक्सी में ब्लेंड किया हुआ है, आप डाल सकते हो या नहीं भी डाल सकते। और ये देखिए बनके तैयार हैं, और मैंने इसको कट करके भी आपको दिखाया है कितना चीजी सॉसी सा है, और मैं दूसरा भी कट करके आपको दिखाऊंगी। बहुत ही यम्मी है खाने में, बच्चे तो आए दिन रिकमेंड करते हैं, और मेरे बच्चे टिफ़न पे ले जाते हैं, देखिए कितना चीजी है, मेरे बच्चे टिफ़न पे ले जाते हैं ना तो बच्चे टूट पड़ते हैं और बोलते हैं मम्मी कम क्यों दे दिए, सब बच्चों ने खाया और बोलते हैं मम्मी से और लेके आना था। और ये देखिए मैंने आपको कट करके भी एक स्लाइस दिखाई है, कितनी चीजी है और बहुत 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 टेस्टी है, और ये बहुत ही ईजिली बन जाते हैं, तो इसलिए आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। और अब हमारा है पार्टी टाइम, तो हम कर रहे हैं पार्टी और नेक्स्ट वीडियो की तैयारी, तो आप भी कीजिए चीजी बन बनाने की तैयारी और इन्जॉय कीजिए। राधे राधे।